रास्ते में हमें कि चाचा मिल गए थे, शहरी ने इनको बिठा लिया क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट तो चलती नहीं है। तो यहाँ की लोकल आबादी अगर किसी ने पहाड़ में ऊपर नीचे आना जाना है, फॉर एग्जांपल दही लेने जाना है, तो वो तो फौर हो जाएगा अगर उसके घर में अपना जमाने शमाने का इंतज़ाम नहीं है या दूध नहीं है। तो यहाँ के लोकल ही एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। वैसे तो खूबसूरत जगह है, लेकिन रहने के लिए जो है वो थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है। तो मैं कपोथ एंड मीट चौथे गियर में मैंने उठा लिया गाँव चंद बेचारा। अल्लाह हाफिज़। फॉरेस्ट फायर से यहाँ के दरख्त भी मुतासर हुए हैं, पूरा देखें पहाड़ जला हुआ है। ये वाला रोड बिल्कुल मज़े का नहीं लग रहा, थकावट हो रही है, थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पिट स्टॉप लेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ इसमें से नज़र आ रहा, आगे पूरा फ्रेम नज़र आ रहा। चलें जी लोधी साहब आप आगे जाए, मैं सबसे पीछे आऊँगा। तो हम रुके थे यहाँ पे, ज़रा एक पिट स्टॉप लिया था, ज़रा थक गए थे बाइक चला चला के। तो नाउ वी विल बी मूविंग अहेड। 30 मिनट का रास्ता गूगल के मुताबिक। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, रास्ते का हमको पता नहीं। तो ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि यहाँ से जाएगा रास्ता, किससे पूछें? वो लोकल्स आ रहे हैं ना, शहरी यार पूछो ना इनसे, इनको पता होगा। दस से 15 मिनट के बाद आएगा माविया चौक और वहाँ से हमें राइट होना है। ये बात बताई है मुझे लोधी ने पूछा यहाँ पे लोगों से, तो देखते हैं। आखिरी 18 किलोमीटर में तो हम फंस ही गए हैं यार, रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन अच्छा है, बोरिंग रास्ता नहीं है। आसपास दरख्त लगे हुए हैं, ठंडी हवा है उनमें। अनलाइक रावलपिंडी वहाँ पे तो हमें दरख्त लगाने को जगह ही नहीं है। अच्छा हम लोकल ये ढाबा एक बना हुआ है और पॉपुलर के भी दरख्त हैं, बीच बीच में कोई सफेदे का दरख्त भी आ जाता है, अंजीर लगी हुई है, कहीं कहीं अनार नज़र आ जाते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा ट्रैक है। वो पानी गिरी हुई थी। माविया चौक आ गया था, एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से हम हो गए हैं राइट साइड में। नीचे की तरफ काफ़ी स्टीप स्लोप थी, आगे ये ऑफ रोड ट्रैक शुरू हो गया। लोधी हमारे पीछे आ रहा, ख्वाजा साहब रास्ते पे चलते चलते डी ट्रैक हो गए थे, तो उन्होंने वो आगे की तरफ चले गए, फिर उनको वापस बुलाया, हम रुक गए थे उधर। और शहरी एक लोकल को जो है वो अपने पीछे बिठा लिया, उन्होंने लिफ्ट दे रहे हैं। ऑफ रोड ख़त्म हो गया, आगे सीमेंटेड ट्रैक बना हुआ है। और देखें ये पॉपुलर का दरख्त, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। इसके दरम्यान में से जब गुजरते हैं तो ठंडी हवा के झोंके, आहा हा, साइड पे खेत भी हैं, ये गंदम लगी हुई है। ये मस्जिद है, मस्जिद से हमने नीचे की तरफ चले जाना। नमान हबीब स्कूटर का इंतखाबी निशान है। यहाँ से मेरे ख्याल से इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करना है। दूसरे गेयर में रोक लिया, दूसरे गेयर में उठा लिया। इस तरह क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती हैं वगैरह। जगह का नाम है सजीकोट, हज़ारा नाम शायद। अच्छा आप शाह रोक लिया भी इंटरेस्ट है। जिनको लिफ्ट दी थी वो कहते हैं हमें यहाँ पर उतार दें, तो हम यहाँ से थोड़ा जूस वूस पियेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। इस रोड का लैंडस्केप थोड़ा सा चेंज हो गया, साइड पे जो माउंटेन थोड़े थोड़े ड्राई हैं। उधर पीछे ही रह गया था, तो फिर मैं तेज़ आया इनको कैचअप करने के लिए। माशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में हम कहाँ तक पहुँचते हैं। इस पार्ट में हम तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे हैं अम्ब्रेला शहर से, तो होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में उसको जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।